अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री जो है हमने पूरी रिवाइज करनी है। ट्रिग्नोमेट्री जो है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है मैथ का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है। ये वो फील्ड है जिसकी आपको रियल में एप्लीकेशन नजर भी आती है। आजकल तो आपके पास सैटेलाइट सिस्टम बड़ा अच्छा आ गया ना, लेकिन पुराने जमाने में अगर आपने माउंटेन्स की या चीजों की हाइट मेजर करनी होती थी तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट यूज करके निकालते थे। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये मैथ की ट्रिग्नोमेट्री। कैलकुलस में बीच बीच में काम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज को भी पूछ लेते हैं। कभी अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, कभी एंगल की कोई कन्वर्जन, रेडियन, डिग्री। कहने का मतलब ये कि ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक्स है ना वो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि ताकि कैलकुलस जब आप पढ़ना स्टार्ट करो। बेसिकली प्री कैलकुलस का मतलब ये होता है कि जब आपने कैलकुलस स्टार्ट की है तो उसके जितनी भी चीजें आ रही हैं कैलकुलस के अलावा वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आप कैलकुलस पढ़ोगे बाकी चीजें नहीं पढ़ोगे। तो मैंने अपने पास लिखे हुए ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे टॉपिक जो आप लोगों के लिए पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी मैथ की ब्रांच है जिसमें आप सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ट्राइंगल से रिलेटेड बातें आप पढ़ रहे होते हो। अब उसमें क्या होगा, ट्राइंगल की साइड्स और उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप आप पढ़ रहे होगे, या कभी आपको ट्राइंगल सॉल्व करने को दिया जाएगा। मतलब ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब तीन साइड्स की लेंथ और तीन एंगल्स वो निकालने को आपको बोल देंगे। तो बेसिकली आप ट्राइंगल से रिलेटेड पढ़ रहे होते हो। इवन ट्रिग्नोमेट्री को असल में अगर वो कोई ग्रीक वर्ड है क्या है, तो ट्राई मतलब थ्री, गोनो मतलब असल में एंगल्स होते हैं, और मैट्री का मतलब मेजरमेंट्स होता है। तो थ्री एंगल मेजरमेंट में, ख्याल में इसका मतलब यही है कि ट्राइंगल की मेजरमेंट, मतलब ट्राइंगल की साइड की लेंथ, ट्राइंगल के एंगल्स और फिर इनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप, ये आप पढ़ रहे होते हो। ये सब बातें आप लोग पढ़ोगे, लेकिन सबसे बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, और वो बेसिक चीज क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, एंगल। एंगल क्या है, ठीक है? तो जब एक लाइन और एंगल होता है कि कितना लाइन रोटेट हुई है दूसरे के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनिशियल लाइन यहां पे थी और इसके ऊपर एक और लाइन थी जो रोटेट होकर यहां पे चली गई है, तो ये जो पूरी अमाउंट ऑफ रोटेशन हुई है ना, इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को आप क्या कहते हो, एंगल। ये जो पूरा स्पेस क्रिएट हुआ है ये क्या बोला जाता है, एंगल बोला जाता है। अब एंगल जो है वो क्लॉकवाइज भी लिया जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी। ये जो मैंने एंगल आप लोगों के सामने लिया है, ये जो एंगल को नॉर्मली ग्रीक लेटर थीटा से आप रिप्रेजेंट करते हो। अगर ट्राइंगल्स के एंगल है तो हम उनका अल्फा बीटा गैमा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये जो एंगल आपके सामने लिखा हुआ है ये है एंटी क्लॉकवाइज, और जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है जिसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अगर आपके पास यही इनिशियल साइड थी लेकिन अब आप रोटेट क्लॉकवाइज करो और यहां पे आ जाओ, तो ये जो एंगल है ये एंगल क्या है, क्लॉकवाइज। और जो क्लॉकवाइज एंगल होते हैं हमने कन्वेंशन सेट की हुई है, उसको हमने नेगेटिव लेना होता है। ये इनिशियल साइड है, इसको टर्मिनल साइड कहते हैं, जहां पे एंगल आपका खत्म हो रहा है, और ये एंगल का वर्टेक्स होता है, ठीक है? तो ये बेसिक से एंगल के बारे में बात बता दी। अब एंगल के यूनिट्स क्या होते हैं, जब भी आप कोई क्वांटिटी पढ़ते हो तो यूनिट पता होना चाहिए, मेजर किस तरह करोगे आप। तो दो मेनली यूनिट्स हैं जो हम यूज करते हैं, वैसे तो ग्रेडियन भी होता है लेकिन हम यूज करते हैं डिग्री और रेडियन। अब अगर आप डिग्री की बात करो, डिग्री कैसा एंगल होता है, तो डिग्री की अगर आप डेफिनेशन देखो तो सिंपल ये होती है कि जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है ना उसको आप 360 हिस्सों में तकसीम कर दो इक्वल हिस्सों में, और वो जो एक हिस्सा है उसको आप ज्वाइन कर दो सेंटर से, तो वो जो पूरा एंगल बन रहा होगा ना उस एंगल को आप कहोगे 1 डिग्री। ये जो 1 डिग्री है ना ये डेसिमल सिस्टम हमारा सिस्टम नहीं है, 1 डिग्री बेसिकली बेस 60 का सिस्टम है। दैट्स व्हाई अगर आप हाई लेवल पे देखो, जो कैलकुलस में आपको नजर आएगा कि हम रेडियंस में डील कर रहे होते हैं, क्योंकि रेडियंस जो है वो डेसिमल सिस्टम है, हमारा सिस्टम है। अगर आप डिग्री में यूज करोगे तो आपको कोई कन्वर्जन फैक्टर चाहिए, कन्वर्ट करके हमारे सिस्टम में लाओगे फिर आप करोगे। तो दैट्स व्हाई मेजॉरिटी कैलकुलस में आपको नजर आएगा डिग्री वाला, बेसिक में हम करते थे छोटी क्लासेस में ताकि बात अच्छे तरीके से समझ आए, वरना कैलकुलस में आपको रेडियन ही नजर आ रहे होंगे। बारे डिग्री है, अच्छा डिग्री को भी डिवाइड किया हुआ होता है, डिग्री को फॉर एग्जांपल 1 डिग्री जो है, अब वो जो एंगल बन रहा है उसको भी 60 हिस्सों में तकसीम कर दो, तो वो जो एंगल होगा वो 1 मिनट कहलाया जाएगा। फिर उस 1 मिनट में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को 60 हिस्सों में तकसीम कर दो तो 1 सेकंड होगा। ये सब बातें मैंने अपने चैनल पे ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन है वहां पे डिटेल में बातें अपलोड की हुई है, अगर शौक हो तो आप लोग देख सकते हो वहां पे चलिए। तो कन्वर्जन क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, मिनट्स के लिए आप एक प्राइम यूज करते हो, इसी तरह 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। अगर आप डिग्री और सेकंड की बात करो तो 1 डिग्री के अंदर 3600 सेकंड्स होंगे। तो ये कुछ बेसिक आपने कन्वर्जन देखी थी। कभी एंगल अगर आपके, इनको हम कहते हैं डिग्री मिनट सिस्टम, सॉरी डिग्री मिनट सेकंड, अगर आपके पास एंगल को इस टाइप का आ रहा है तो
इसको मैं रख देता हूँ, दूसरा पेन भी यूज कर लेते हैं। अगर आपके पास डिग्री मिनट सेकंड में कोई एंगल लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिखा हुआ है कि 30 डिग्री 45 मिनट और 15 सेकंड्स, और आपको बोला जाए कि यार आप इसको सिंपल डेसिमल डिग्रीज में कन्वर्ट करो, जो आप डिग्रीज देखते हुए आ रहे हो, हमें डीएमएस में नहीं चाहिए, तो कन्वर्जन करने का भी आसान तरीका होता था। आप 30 डिग्री लिखो प्लस ये जो 45 मिनट है, 45 मिनट को आप 60 से डिवाइड कर दो, और ये जो 15 सेकंड है इसको आप 3600 से डिवाइड कर दो। ये वाला कॉन्सेप्ट है जो ऊपर था, क्योंकि 60 मिनट के अंदर एक डिग्री होता है ना, तो 45 मिनट के अंदर कितने डिग्रीज होंगे, 45 को 60 से डिवाइड कर दो, और 15 सेकंड के अंदर कितने डिग्री होंगे उसको 3600 से डिवाइड कर दो। तो उस पूरी चीज को सॉल्व करो, आपके पास 30 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा, वो आपका डेसिमल डिग्रीज के अंदर आ गया। तो डिग्री मिनट सेकंड टू डेसिमल डिग्रीज करने का तरीका, इसी तरह डेसिमल डिग्रीज टू डीएमएस भी होता है, वो आप लोगों को मिल जाएगा आसानी से, कोई देख लेना उसमें। अच्छा, जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है अगर रेडियन में एंगल डिस्कस हो, तो रेडियन की जरा बात करते हैं हम। दूसरा एंगल का यूनिट क्या है, रेडियन। अच्छा, रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है, रेडियन की डेफिनेशन ये होती है कि अगर आपके पास एक सर्किल है और उस सर्किल का जितना रेडियस है, अगर उतनी ही आप एक आर्क पिक करो सर्किल के ऊपर, अगर आपने कोई एक आर्क पिक की है, आर्क सर्किल का बाउंड्री का थोड़ा सा हिस्सा कोई भी, वो आप पिक करो, कितनी उसकी लेंथ हो आर्क की, जितनी रेडियस की लेंथ है, तो अगर आप उस आर्क को सेंटर से ज्वाइन करोगे तो जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलते हैं 1 रेडियन। ठीक है, रेडियन जो है ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि ये रेडियन जो है ये डिपेंड नहीं करता कि सर्किल के ऊपर, सर्किल बड़ा हो छोटा हो 1 रेडियन उतना ही रहेगा, जबकि डिग्री डिपेंड करता है। अगर सर्किल बड़ा होगा तो वहां पे 1, क्योंकि अगर एक बड़ा सर्किल है तो जब 360 हिस्सों में तकसीम करोगे वो हिस्से थोड़े बड़े बड़े होंगे, अगर सर्किल छोटा सा बना दो इसको 360 में करो तो डिग्री कितना छोटा बनेगा, तो डिग्री डिपेंड कर रहा होता है सर्किल के ऊपर, जबकि रेडियन सर्किल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दैट्स वाई रेडियन डेसिमल सिस्टम है, अलग सिस्टम नहीं है कोई, हम इसको प्रेफर करते हैं यूज करना। पर तो ये रेडियन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब अगर बेसिक बातें आपको बतानी चाहिए कि अगर एक फुल रोटेशन होती है उसमें 360 डिग्रीज होते हैं, हाफ रोटेशन होती है 180 डिग्रीज होते हैं, अच्छा 90 डिग्री मतलब राइट एंगल जो है वो डिग्री के अंदर 90 होता है, इसी तरह अगर आप रेडियन की बात करो तो फुल रोटेशन में 2π रेडियंस होते हैं, हाफ रोटेशन में π रेडियंस होते हैं, और राइट एंगल में π/2 रेडियंस होते हैं। ये इनकी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एंगल्स की भी कुछ टाइप्स होती है, फॉर एग्जांपल एक्यूट एंगल 90 से कम, ऑब्टूस 90 से ग्रेटर, राइट जो है वो 90 होता है, इसी तरह एक स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल आप कहते हो 180 डिग्री एंगल को, एक रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 180 और 360 के दरमियान होता है। ये डिफरेंट टाइप्स है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आ सकती हैं तो आपको याद रहे। असल चीज है वो रेडियन और डिग्री की कन्वर्जन है, ये भी आपको आनी चाहिए, जरा वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बोलता हूं कि अगर आपको कन्वर्ट करना हो, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, अगर आपके पास कोई एंगल लिखा हुआ है डिग्री में और आपको कन्वर्ट करना हो उसको रेडियन में, तो आपने क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है बाय π/180। और अगर आपको बोले कि यार आप कन्वर्ट करो रेडियन टू डिग्रीज, रेडियन से डिग्री में अगर आपको जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 180/π से। मैं एक दो एग्जांपल करके दिखा देता हूं ताकि बात समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 30 डिग्री लिखा हुआ है और आपको बोला जाए कि इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करो, तो आपने जस्ट क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है π/180 से, तो 1 × 6 तो ये क्या हो जाएगा π/6, तो रेडियन के अंदर ये क्या होगा π/6 रेडियन। अच्छा, अगर एंगल आपको बोला जाए ना, जरूरी नहीं कि डिग्री के अंदर पाई आ रहा होता है, ऐसा भी मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो डिग्री में एंगल होगा उसमें पाई नहीं आएगा और जो रेडियन में एंगल होता है उसमें पाई आता है, जरूरी नहीं होता। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो ये माना जाएगा π डिग्रीज, मतलब 3.14 समथिंग डिग्रीज। डिग्री का ताल्लुक होता है सिंबल से, अगर ये सिंबल लिखा हुआ है इसका मतलब एंगल आपका डिग्री के अंदर है, और अगर सिंबल नहीं है इसका मतलब ये एंगल आपका रेडियन के अंदर है। तो आपने इस तरह पहचानना है, पाई से नहीं पहचानना कि पाई जहां पे होगा वो एंगल रेडियन के अंदर है और जहां पाई नहीं होगा वो डिग्री के अंदर है, इस तरह नहीं पहचानना आपने। बरत और इसी तरीके से अगर आपके पास फॉर एग्जांपल को रेडियन में एंगल है π/2 कर लेते हैं, आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो, जस्ट मल्टीप्लाई करो 180/π से, तो पाई से पाई कैंसिल, 180/π क्या होता है 90, तो 90 डिग्रीज हो गया, दैट्स इट। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर रहे होते हो। तो ये बेसिक बातें हैं, कन्वर्जन ये सब मैंने आप लोगों को बता दी। इसी तरह एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिलेशन था जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे, वो रिलेशन था S=r θ।
बस बेसिक सी बात आपको बताओ कि अगर आपको कोई भी आर्क लेंथ निकालनी है, मतलब सर्किल का फॉर एग्जाम्पल कोई एक हिस्सा है, एक छोटी आर्क की लेंथ आपको निकालनी है, तो आपको सर्किल का रेडियस पता होना चाहिए और आपको थीटा पता होना चाहिए कि वो जो आर्क है वो क्या थीटा बना रही है। अगर आप पुट करोगे तो उसकी लेंथ आप आसानी से निकाल सकते हो। बस एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो थीटा है वो रेडियन के अंदर है, आप इस फॉर्मूले में डिग्री में पुट नहीं कर सकते, थीटा जो है वो आपको रेडियन में पुट करना पड़ेगा। अगर डिग्री में तो कन्वर्ट करके उसको रेडियन में बना लेना फिर पुट कर लेना। तो ये एस होता है आर्क लेंथ, आर होता है रेडियस और थीटा जो है वो सेंट्रल एंगल जो सेंटर पे बन रहा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया। उसके बाद आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। आपके पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते थे? छह बेसिकली, तो आप अगर ऑब्जर्व करो तो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास फंक्शन है, बाकी जो है वो उनके रेसिप्रोकल्स हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले था साइन फंक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिखते हो, फंक्शन की फॉर्म में अगर आप लिखना चाह रहे हो तो हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। इसी तरीके से दूसरा था कोसाइन, जिसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। और तीसरा था टेंजेंट फंक्शन, जिसको सिंबल में किस तरह लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स। ठीक है, ये तीन आपके पास मेजर फंक्शन थे, बाकी इनके रेसिप्रोकल थे, इनसे हमने डिराइव किए हैं कि हमने बोला था कि जो साइन का रेसिप्रोकल है उसको हम कहेंगे कोसेकेंट, और लिखते किस तरीके से, सी एस सी एक्स इस तरह भी लिख सकते हैं या सी ओ एस ई सी कोसेक एक्स भी लिख सकते हैं। दोनों नोटेशन होती है इसकी, कि जो कोसाइन का रेसिप्रोकल है फॉर एग्जाम्पल उसको हम सीकेंट कह देते हैं, सीकेंट फंक्शन, और उसको हम किस तरह लिखेंगे, एस ई सी पढ़ते कैम सेक एक्स। और जो टेंजेंट का है उसको हम कह देते हैं कोटेंजेंट, और उसको हम कैसे लिखेंगे, कॉट करके कॉट एक्स। तो बेसिकली है ये तीन फंक्शन, ये तीन फंक्शन है और ये तीन इनके क्या है, रेसिप्रोकल्स। ठीक है, अब इनके आपस में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ यूनिट सर्किल के अंदर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनको आपने डिफाइन किया है यूजिंग राइट ट्राइंगल, कि आपने बोला राइट ट्राइंगल में अगर आप इनके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए ना, कि फॉर एग्जाम्पल एक राइट ट्राइंगल है सही, और आप बोलते हो ये वाली साइड कंसिडर कर लो, ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी। तो बिलफर्ज अगर आप कहते हो कि यार ये इनकी डेफिनेशन क्या है, तो हमने यूजिंग राइट ट्राइंगल इनको डिफाइन किया है कि साइन बेसिकली ये सब क्या है, ये है कि जो राइट ट्राइंगल के जो साइड्स है ना उनके अगर आप रेशियो निकाल रहे हो तो ये उसके बराबर है। ये ऐसे फंक्शंस हैं जो ट्राइंगल के एंगल को रिलेट करवाते हैं उसके साइड के रेशियो के, कि ट्राइंगल के दो साइड के रेशियो और उसको रिलेट करवाएंगे थीटा से, तो इन फंक्शंस को आप कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा, नॉर्मली थीटा लिखते हैं, लेकिन जब आप ग्राफ के सेंस में बात करते हो तो हम एक्स का वर्ड यूज कर रहे होते हैं, तो मैं यहां पे अब थीटा लिखा हुआ तो समझ जाना आप लोग, ये हल्का फुल्का देख लेना। तो होता क्या था, अगर आप रेशियो निकालो, अच्छा इसकी दो कन्वेंशन यूज होती हैं नॉर्मली, अगर पाकिस्तान में आप बात करो तो हम यूज करते हैं परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, जबकि अगर आप बाहर में देखो या इंडिया या बाकी भी हैं मैंने वहां पे देखे में, तो वहां पे यूज करते हैं ऑपोजिट एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज। तो कॉन्सेप्ट सिंपल ही होता है, बता देता हूं, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, अगर आप देखो हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड है, उसमें तो कोई झगड़ा नहीं है। अब परपेंडिकुलर बेस का मतलब क्या होता है, जो थीटा आप कंसीडर कर रहे हो उस थीटा के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, और थीटा के साथ वाली साइड जो है वो बेस कहलाती है। और अगर दूसरी फॉर्म में याद रखो अपोजिट और एडजेसेंट में, तो वही बात है कि थीटा के सामने वाली साइड को आप अपोजिट बोलोगे, थीटा के साथ वाली साइड को आप बोलोगे एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम है। तो अगर आप बात करो साइन फंक्शन की, अगर परपेंडिकुलर बेस के सेंस में याद रखो तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ए अपॉन बी। तो ये जो इस वाली साइड का रेशो आपने इस वाली साइड से निकाला है ना, ये किसके बराबर है, इसको हम लेते हैं कि ये साइन फंक्शन है, ठीक है, जो रिलेट करवाता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशो को। इसी तरह अगर आप परपेंडिकुलर सॉरी बेस और हाइपोटेन्यूज को लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो वो कॉस हो जाएगा, इसी तरह आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो वो क्या बन जाता है, वो टेंजेंट बन जाता है। और बाकी जो इनके रेसिप्रोकल है उसको तो आप बस रेसिप्रोकल कर दो तो आ जाएगा, उसमें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये जो ए अपॉन बी है ना, ये डिपेंड करता है थीटा के ऊपर, जितना थीटा होगा और ये साइड का रेशियो, उसमें मतलब अगर ये फंक्शन आपके पास लिखा है ना साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां पे जो अगर आप थीटा चेंज करोगे तो इसका रेशियो चेंज होगा। ये रेशियो जो है ट्राइंगल के साइज पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आपको पता है रेशियो तो कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी ये फोर साइड है, ये थ्री है और ये फाइव लेंथ है फॉर एग्जाम्पल,
तो अगर मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और डायमेंशन थोड़ी बढ़ जाएंगी इसकी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ट्रायंगल ये, ठीक है। लेकिन थीटा तो वही रहेगा इसका, ठीक है, रेशो तो अभी भी वही रहेगा, रेशो अगर आप निकालोगे तो रेशो तो वही है। फॉर एग्जाम्पल ये 4 हो गया, सॉरी ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, तो 6/10 3/5 एक ही बात होती है, तो रेशो से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो थीटा और यहाँ पे आपस में ताल्लुक आप देख रहे हो ना, ट्राइंगल के साइज पे डिपेंड नहीं करता, रेशो जो है ये डिपेंड करता है थीटा के ऊपर, अगर आप थीटा चेंज करोगे तो आपका रेशो चेंज हो रहा होता है। तो ये बात बताना चाह रहा था मैं, बाकी ये बेसिक बेसिक बातें पढ़ ली। अच्छा, ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है ये आपने राइट ट्राइंगल से डिफाइन किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, लेकिन आपने इसको एक्सटेंड किया है यूजिंग यूनिट सर्किल। अब यूनिट सर्किल का पूरा एक कॉन्सेप्ट था, बस बेसिक बात आप लोगों को बता दो, यूनिट सर्किल ऐसा सर्किल है जिसका रेडियस 1 के बराबर होता है, और वहां पे जब अच्छा एक पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ते थे कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो जब वो आप यूनिट सर्किल में राइट एंगल बनाओगे और पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपके पास इस टाइप की इक्वेशन आती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि रेडियस 1 होता है ना, तो यूनिट सर्किल में ये आपके पास इक्वेशन आती है, ठीक है। और यूनिट सर्किल में आपने बात प्रूफ की हुई है कि साइन, यूनिट सर्किल के अंदर क्या होता है, साइन जो है साइन थीटा वो जस्ट एक्स के बराबर होता है, सॉरी वाई के बराबर होता है, और जो कॉस है वो किसके बराबर होता है, वो एक्स के बराबर होता है। मतलब आप यूनिट सर्किल पे आप कोई भी पॉइंट पिक कर लो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक यूनिट सर्किल है, हम एक यूनिट सर्किल बनाते हैं, ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां पे ले जाता हूं, ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है, ये पूरा एंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको मालूम करना हो कि इस जो भी एंगल बन रहा है इसका अगर मुझे साइन निकालना है या मुझे कॉस निकालना है तो क्या होगा, तो भाई ये जो पॉइंट आ रहे हैं ना, आपने जस्ट देखना है इस पॉइंट की एक्स और वाई वैल्यू, जो एक्स वैल्यू है वो आपको कॉस थीटा दे रही होगी, जो वाई वैल्यू है वो आपको साइन थीटा दे रही होगी, क्योंकि अगर आप ट्राइंगल बनाओ हाइपोटेन्यूस 1 के बराबर है ना, तो आप हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करते थे, हाइपोटेन्यूस 1 हो गया तो सिंपल साइन बराबर है वाई, कॉस बराबर है एक्स के। तो यूनिट सर्किल में अगर आप कोई भी पॉइंट पिक करते हो उसकी एक्स वैल्यू कॉस देती है, वाई वैल्यू आपको साइन देती है, ये बेसिक सी बात आपको बतानी चाहिए। और अगर आप टेंजेंट की बात करो, टेंजेंट, टेंजेंट का एक फॉर्मूला यूज करते हैं, टेंजेंट क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स, और बाकी रेसिप्रोकल है उनको आप आसानी से देख लो क्या उनका आंसर आ रहा है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया थोड़ा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप देखते हो उनके साइन क्या है, हर क्वाड्रेंट में हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या साइन आपको नजर आ रहा है, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल तक महदूद नहीं आपने की, राइट एंगल में तो आपको जस्ट एंगल ज्यादा से ज्यादा 90 मिलेगा ना, 90 से ग्रेटर तो कोई एंगल नहीं होता राइट एंगल के अंदर, तो क्या आपकी ट्रिग्नोमेट्री 90 में महदूद होगी, नहीं, हमने यूनिट सर्कल से उसको एक्सटेंड किया, आप कुछ भी एंगल पुट कर सकते हो। तो अब अगर आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या अगर सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इनके आंसर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्या होंगे, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिपेंड कर रहे हैं एक्स और वाई वैल्यू के ऊपर, सारे जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एक्स और वाई वैल्यू पे, मतलब क्वाड्रेंट पे डिपेंड कर रहे हैं। जरा वो देख लेते हैं कि इनके साइंस क्या होंगे, ठीक है। तो अगर आप ये क्वाड्रेंट बनाओ, ठीक है, तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, अगर x और y पॉजिटिव है इसका मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होते हैं, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि y पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव होता है, तो y पॉजिटिव होता है इसका मतलब जिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में y आ रहा है वो सब पॉजिटिव है, मतलब साइन पॉजिटिव है, अच्छा इसी तरह कोसाइन इसका रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव होगा, और बाकी सब में x आ रहा है तो वो नेगेटिव होंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं लिख रहा हूं साइन फंक्शन जो है पॉजिटिव है, अब साइन पॉजिटिव है इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा, ये बात समझ लेना। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करो तो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, तो जिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्स वाई दोनों एक साथ आ रहे हैं ना, तो वहां पे कैंसिल हो जाएगा, वो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो टेंजेंट जो है अगर आप उसमें देखो वाई अपॉन एक्स होते हैं, तो अगर वाई और एक्स दोनों नेगेटिव हो, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव होता है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जस्ट टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, नेगेटिव है, और टेंजेंट मतलब इसका रेसिप्रोकल जो है कॉट वो भी पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है इसका मतलब जिसके अंदर, और वाई नेगेटिव होता है जिसके अंदर जस्ट एक्स आ रहा है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां पे सॉरी कोसेकेंड कह रहा हूं, कोसाइन फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होगा। तो इसको याद रखने का मैं तरीका है ए एस पी सी, आप इस तरह याद रख सकते हो, आर स्मार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास, इस तरह भी याद कर लो अगर आप भूल सकते हो, ये बेसिक लेवल पे हम बच्चों को बता देते। तो ये साइन कन्वर्जन आपको बतानी चाहिए,
उसके बाद अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको बेसिक बात तो आपको याद होनी चाहिए, आप लोगों को बेसिक लेवल पे बहुत से ट्रिक्स पता होंगी कि यार आपने साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60, साइन 90, साइन 0, तो 0 से लेकर 90 तक जो स्पेशल कुछ एंगल है ना, 0, 30, 45, 60, 90, इन पे तो आपको पता होनी चाहिए वैल्यूज। इनकी बहुत से ट्रिक मार्केट में मिलेंगी, अब उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, टॉपिक बहुत ही फिर डिले हो जाएगा, मतलब डेप्थ में चला जाऊंगा, वो टाइम नहीं है इतना। तो ये आप लोग खुद अपने देख लेना, अगर खुद नहीं देखना चाह रहे तो मैंने अपने चैनल पे ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर आराम से अपलोड किया है। सिर्फ ये नहीं, जो और स्पेशल एंगल्स होते हैं, मतलब 120, 135, स्पेशल एंगल इन द सेंस कि इन एंगल्स को आप राइट ट्राइंगल से वैल्यूज निकाल सकते हो। मैं इतना ही बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में जा नहीं सकता क्योंकि आपके पास स्पेशल ट्राइंगल्स होते हैं कुछ, 45-45 का ट्राइंगल होता है, 45-45-90 का, एक 30-60-90 का होता है, तो इनकी मदद से आप इन एंगल्स को आसानी से निकाल सकते हो। वो कौन कौन से, 120, 135, 150, फिर 180, फिर 210 आ जाएगा, 225, 240, 270, कहने का मतलब है सारे स्पेशल एंगल है। विदाउट कैलकुलेटर आपने इनकी वैल्यू कैसे निकालनी, मैं अभी फॉरन सबकी बता सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है इसमें। तो इसी तरह ये स्किल आप लोगों के अंदर कैसे आएगी, वो उस लेक्चर्स को देख लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनकी वैल्यूज मैंने बताई है डिटेल में, ट्रिक बताई हुई कैलकुलेटर के बगैर आप कैसे उसकी वैल्यूज निकालोगे। तो ये टॉपिक जो है ये बहुत ही बेसिक है, इसको आप लोग देख लेना। अच्छा, कुछ एंगल्स होते हैं जो वर्ड यूज होता है, को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल ऐसे होते हैं कि जिन एंगल्स की सेम टर्मिनल साइड होती है। सेम टर्मिनल साइड का मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक एंगल बनाया है, ये वाला, ये एंगल बन रहा है, कंसीडर कर लो 45 डिग्री। तो अगर ये कोई ऐसा एंगल है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 405 डिग्री। मतलब अगर आप देखो, ये स्टार्ट दोनों सेम जगह से हो रहे हैं, ठीक है, और एंड जो है वो भी सेम जगह पे हो रहे हैं। अगर आप देखो ऐसे एंगल्स जो एंड सेम, स्टार्ट तो आप नॉर्मली एक्स एक्सिस से ही लेते हो, तो एंड अगर सेम साइड पे हो रहे हैं, सेम टर्मिनल साइड पे हो रहे हैं, तो उन एंगल्स को आप क्या बोलोगे, को टर्मिनल एंगल। तो 405 हो गया या 45 हो गया, ये को टर्मिनल एंगल है। अगर आप क्लॉकवाइज लो, फॉर एग्जांपल आपने इस तरह लिया है, तो आप एंगल नेगेटिव होगा, ये होगा -315 डिग्री। तो -315 डिग्री जो है वो भी को टर्मिनल एंगल है 45 का, क्योंकि इनकी टर्मिनल साइड जो है, टर्मिनल साइड होती है जहां पे एंगल खत्म हो रहा है, वो सेम है, तो इनको को टर्मिनल कहते हैं। कुछ एंगल्स होते हैं जिनको आप कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स वो होते हैं जो क्वाड्रेंट के दरमियान होते हैं, मतलब 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360, और आप चलते रहो 90 से मल्टीप्लाई करते जाओ, उनको क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। फिर एक होते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल। स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल वो एंगल्स होते हैं कि जिनकी जो इनिशियल साइड है, ये सारे स्टैंडर्ड पोजीशन है, इनिशियल साइड जो है वो एक्स एक्सिस पे है और टर्मिनल साइड जो है वो मूव कर रही है, उन एंगल्स को आप क्या कहोगे, स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल्स। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। नॉर्मली स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल जो है वो पॉजिटिव ही लिए जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन अगर आप नेगेटिव ही ले लोगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल में इनिशियल साइड एक्स एक्सिस पे, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और वर्टेक्स वही ओरिजिन होता है, ये जो एंगल बन रहा है उनका वर्टेक्स जो है ओरिजिन के ऊपर है, और टर्मिनल साइड आपकी किसी भी क्वाड्रेंट में चली जाए, वो सब एंगल क्या कहलाए जाएंगे, स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल्स होंगे। अच्छा, उसके बाद एक रेफरेंस एंगल भी होता है। रेफरेंस एंगल ये होता है, रेफरेंस एंगल हमेशा 90 से छोटा होता है। रेफरेंस एंगल होता है कोई भी टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस, इसके दरमियान क्या एंगल है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी टर्मिनल साइड कंसीडर करते हैं, यहां पे मैं बनाता हूं, फॉर एग्जांपल आपकी टर्मिनल साइड यहां पे दरमियान में, तो इस टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल है वो रेफरेंस होता है, तो रेफरेंस एंगल किया 45 डिग्री। इसी तरह आप कंसीडर कर लो टर्मिनल साइड यहां पे, अब अगर आप नॉर्मल एंगल निकालोगे वो तो 135 डिग्री आएगा, लेकिन रेफरेंस एंगल क्या है, अगेन वही टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान एंगल, ये रेफरेंस एंगल होता है, तो अगेन ये 45 डिग्री। फॉर एग्जांपल हम इस टाइप का बनाते हैं, ये तकरीबन आपको दिखने में लग रहा है कि इस एंगल, सॉरी इस साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान एंगल थोड़ा 30 है। कहने का मतलब ये कि टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको आप कहते हो रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस, को टर्मिनल, क्वाड्रेंटल, स्टैंडर्ड पोजिशन, ये कुछ यूज होती थी बातें, सारी मैंने आपको क्लियर कर दी है, अब मजीद बातें देखते हैं। उसके बाद आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इस्तेमाल होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बच्चों बहुत ज्यादा है, ये जो वर्ड आइडेंटिटी का होता है ये हम उस इक्वेशन के साथ यूज करते हैं जो सब वैल्यूज के लिए ठीक होती है। तो काफी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है ना उनको जरा डिस्कस करते हैं। वो तो आगे सबको बताऊंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है ये 1 के बराबर होता है, इसको चेंजिंग भी आप कर सकते हो, साइन स्क्वायर का निकाल सकते हो या कॉस स्क्वायर निकाल सकते हो। इसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर जो है ये बराबर होता है सेक स्क्वायर के। इसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो है ये बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर के।
आप थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, दैट्स वाई इनको हम आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये फंडामेंटल तीन आइडेंटिटी है। इसके अलावा आप कुछ लॉ भी पढ़ते थे, फंडामेंटल लॉ पढ़ते थे, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, फंडामेंटल लॉ, ठीक है, वो मैं बस बता रहा हूं और उसके जो डिडक्शन है वो आप लोग खुद देख लेना। तो फंडामेंटल लॉ में क्या होता था, फंडामेंटल लॉ था कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, नहीं इसके अंदर नहीं होता था, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कैलकुलस की बात करो, क्योंकि कैलकुलस में आप कितनी जगहों पे इवन इंटीग्रेशन के अंदर आप ये फॉर्मूले यूज कर रहे होते हो। इसके बाद आप सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम, तो कहने का मतलब यही ट्रिग्नोमेट्री, यही छोटी छोटी बातें हैं जो अगर आपको नहीं आती होंगी फिर आप बैठ जाओगे यार अच्छा वो फॉर्मूला क्या था, चलो मैं अब देखता हूं दोबारा, ढूंढोगे कहीं, रिवाइज करोगे उसको। तो अगर ये बातें पहले से बताओगे तो कैलकुलस में रुकोगे नहीं, आप आगे बढ़ते जाओगे। अब इससे आपने काफी डिडक्शन की थी, एक तो डिडक्शन थी कि कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, एटलीस्ट ये वाले फॉर्मूले आपको बताने चाहिए। फिर कॉट अल्फा माइनस बीटा के भी थे लेकिन उनको छोड़ देना, तो ये सब फॉर्मूले आपको बताने चाहिए। क्या करना है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला देख लेना, इसी तरीके से साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा एक साथ लिखवा रहा हूं इसका देख लेना, इसी तरह टेंजेंट अल्फा प्लस माइनस बीटा, एक साथ फॉर्मूले लिखते नहीं, वैसे ही बता रहा हूं आपको कि एक प्लस का फॉर्मूला एक माइनस का फॉर्मूला, दोनों ही सब फॉर्मूले देख लेना। अच्छा, इसके बाद हमने एक और डिडक्शन भी की थी, वो ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, डिडक्शन हमने की थी फंडामेंटल लॉ से सारी, वो ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर साइन के अंदर आप नेगेटिव एंगल पुट करो तो वो नेगेटिव बाहर आ जाया करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर बच्चे भूल जाते हैं इसको, ये इवन ऑड फंक्शन के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। जबकि कॉस के अंदर अगर आप नेगेटिव पुट करो तो ये नहीं होता, कॉस के अंदर नेगेटिव पुट करो तो वो नेगेटिव इग्नोर कर दो आप बिल्कुल, इनके रेसिप्रोकल भी इस चीज को फॉलो करेंगे, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद और फॉर्मूले थे, काफी फॉर्मूले थे, आपने पढ़े थे वो रिवाइज कर लेना, उनको हम कहते थे सम टू प्रोडक्ट आइडेंटिटीज, ये काफी यूज होते हैं कैलकुलस के अंदर इंटीग्रेशन के अंदर और बच्चे भूल जाते हैं। सम टू प्रोडक्ट में क्या होता था, कौन कौन से फॉर्मूले, फॉर एग्जाम्पल साइन यू प्लस साइन वी, साइन यू माइनस साइन वी, कॉस यू प्लस कॉस वी, कॉस यू माइनस कॉस वी, ये देख लेना आप लोग। अच्छा जी, फिर था प्रोडक्ट टू सम, प्रोडक्ट टू सम आइडेंटिटीज, ये भी थी। इसमें क्या होता था कि आपके पास प्रोडक्ट था, मतलब साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, इनके फॉर्मूले थे चार, उनको जरा आप देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास होती थी डबल एंगल आइडेंटिटीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन में काफी काम आ रही होती है, इंटीग्रेशन में। डबल एंगल आइडेंटिटीज मतलब साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेंजेंट टू थीटा, इनके फॉर्मूले थे। ये सब मैंने बेसिक लेवल पर बातें कवर करवाएंगे, गूगल पे भी आपको मिल जाएंगे, बस रिवाइज करना है, टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप पढ़ते थे हाफ एंगल फॉर्मूले, आइडेंटिटीज ही कह देते हैं हाफ एंगल को भी, आइडेंटिटीज ही होती है। अच्छा, हाफ एंगल आइडेंटिटीज आपने देख ली, ये सारे फॉर्मूले थे जो आपको बताने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद डबल हो गया, सम हो गया, ठीक है। उसके बाद एक अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट था, आखिरी वो जरा देखते हैं। अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट ये होता था कि अगर आपके पास एक बेसिक एंगल गिवन होता था और उसके साथ कोई 90 का मल्टीपल गिवन है, मैं एक ही दफा दो तीन एग्जाम्पल में आपको क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आ रहा है कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, वेर थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा की जगह अल्फा लिख दो, कोई भी सिंबल आप दे सकते हो, और इसको आपने सॉल्व करना था, तो एक तो तरीका यह था कि आप इस पे लंबा वाला फॉर्मूला लगाओ कॉस अल्फा माइनस बीटा का, तो ज्यादा टाइम लगता था। इसकी छोटी सी एक ट्रिक बताई जाती थी, वो आपको पता होनी चाहिए, मैं उससे एक दो एग्जांपल और दे दूंगा। वो ये थी कि आपको देखना है कि जो 180 डिग्री है और 360 डिग्री है, अगर 180 डिग्री आ रहा है और 360 डिग्री आ रहा है तो रिजल्ट में जो फंक्शन है ना, रिजल्ट में वही फंक्शन आ जाएगा। अगर कॉस है तो यहां पर भी कॉस आ जाएगा, और अगर 90 डिग्री लिखा हुआ है या 270 डिग्री लिखा हुआ है, तो अगर रिजल्ट में कॉस है तो आंसर में साइन आएगा, अगर इधर साइन है तो आंसर में कॉस आएगा। अच्छा, अगर टेंजेंट है तो कॉट आएगा, कॉट है तो टेंजेंट आएगा, सैक है तो कोसैक आएगा, कोसैक है तो सैक आएगा, मतलब 90 और 270 पे आप फंक्शन को चेंज करते थे। दूसरी बात, आप क्वाड्रेंट डिसाइड करते थे। अब 180 डिग्री में से कुछ भी आप एंगल माइनस करोगे तो 180 डिग्री से छोटा होगा, फॉर एग्जाम्पल 170 150 जो भी होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरह 180 में अगर आप कुछ ऐड करोगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 270 डिग्री में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, 270 में कुछ ऐड करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट आपको पता होना चाहिए। तो अब आंसर कैसे लिखोगे, सबसे पहली बात 180 डिग्री है, फंक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, कॉस एज इट इज आ जाएगा, जो यहां पे एंगल है वो यहां पे लिख दो। अब 180 माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है,
और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो काफी आसान सी एक ट्रिक थी। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। अब 270 डिग्री है तो फंक्शन चेंज होगा, साइन है तो कॉस आ जाएगा, यहाँ पे थीटा है तो थीटा आ गया। 270 में कुछ ऐड करते हो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ में साइन नेगेटिव है, इसका आंसर ये हो जाएगा। और एक फॉर एग्जांपल हम टेंजेंट के साथ देख लेते हैं कि टेंजेंट 360 डिग्री माइनस थीटा। अगेन 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा तो टेंजेंट ही रहेगा। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसका मतलब फोर्थ में टेंजेंट नेगेटिव होता है, फोर्थ में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो ये अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि थीटा बेसिक एंगल के साथ कुछ 90 का मल्टीपल आपके पास आया है। और अगर आप अभी 90 और 270 का याद ना रखो, जो एंगल वाई एक्सिस पे आते हैं ना उन पे फंक्शन चेंज होते हैं, जैसे 90, 270, फिर 450, 630, ये सब वाई एक्सिस पे आ रहे हैं, इन पे आप फंक्शन चेंज करते हो, और जो एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं उन पे चेंज नहीं करते। फॉर एग्जांपल 0 180 डिग्री, 360 540, 720 900, तो इन पे आप क्या करते हो, चेंज नहीं कर रहे होते। ठीक है, अच्छा जी, मेरे ध्यान में कुछ और चीज आ रही है, चलो छोड़ो उसको। तो ये बातें आपको लाइट एंगल से रिलेटेड पता होनी चाहिए। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का चैप्टर होता था, वहां पे बातें डिस्कस की जाती थी, वो देख लिए। अच्छा, उसके बाद जो मेन टॉपिक था जो आपको पता होना चाहिए वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनकी डोमेन रेंज और इनके ग्राफ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब इनसे रिलेटेड आपको क्या बातें पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। सबसे पहली बात कि इनके ग्राफ, अब ग्राफ आपको अगर पता होगा तो ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो, डोमेन और रेंज। तो ये आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट आप क्लियर होने चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन मैं अगर ट्रिग्नोमेट्री में आप जाओगे तो मैंने डिटेल में कंप्लीट करवाया है ये। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। साइन का ग्राफ मैं सब तो नहीं बताऊंगा, ऑब्वियसली मतलब कोई भी नहीं बताऊंगा, सब ऑलरेडी बेसिक लेवल पे डिस्कस है। मैं बस याद दहानी करवा रहा हूं कि इनको बेसिक को कवर कर लो, ताकि अगर आप कैलकुलस करो तो कोई मसला ना हो। साइन का ग्राफ पता हो, कॉस का पता हो, टेंजेंट, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या एटलीस्ट साइन कॉस टेंजेंट का आप लोगों को पता होना चाहिए ग्राफ, एटलीस्ट ये काफी यूज हो रहे होते हैं। तो अगर ग्राफ पता होगा, ग्राफ से डोमेन रेंज निकालोगे। अगर आप साइन कॉस की बात करो तो बेसिक बात आप याद रखो, साइन और कॉस के डोमेन में कोई इश्यू नहीं है, आप साइन और कॉस के अंदर कुछ भी पुट कर सकते हो। रेंज क्या होती है, साइन और कॉस की रेंज होती है 1 और -1 के दरमियान। आपको साइन और कॉस में कोई भी आंसर 1 से ग्रेटर या -1 से छोटा नहीं मिल सकता। या तो आपको 1 मिलेगा, या आपको -1 मिलेगा, या 1 और -1 के दरमियान कुछ भी मिल जाएगा, 0.5, -0.5, -0.9, 0.9, ये सब मिल जाएंगे 1 और -1 के दरमियान, साइन और कॉस के अंदर ही होते हैं। बल्कि और जो बाकी चार आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके डोमेन में मसला होता है। जैसे टेंजेंट के अंदर आप 90 का मल्टीपल नहीं पुट कर सकते, 90, 270 आप एंगल पुट नहीं कर सकते, क्योंकि टेंजेंट के डिनोमिनेटर में कॉस आता है और कॉस 0 होता है 90 पे, 270 पे, तो अनडिफाइन हो जाएगा वो। इसी तरह अगर आप कॉट की बात करो तो कॉट में आप कुछ ऐसा एंगल नहीं पुट कर सकते जो 0 हो, मतलब जो एक्स एक्सिस पे आ रहा हो, 0, 180, 360, ये आप कॉट के अंदर नहीं पुट कर सकते। सेक के अंदर वही होगा जो आपने टेंजेंट के अंदर पढ़ा, क्योंकि सेक होता है 1/cos, अगेन डिनोमिनेटर में कॉस आ गया ना, टेंजेंट में भी डिनोमिनेटर में कॉस आता था, तो सेक के लिए भी वही लिमिटेशन है कि 90 का मल्टीपल कुछ पुट नहीं कर सकते। और जो कोसेक है उसके अंदर भी वही रिस्ट्रिक्शन है, 1/sin मतलब कॉट वाली रिस्ट्रिक्शन है कि आप 180 का कुछ मल्टीपल नहीं पुट कर सकते, 180, 360, 0 ये पुट नहीं कर सकते। तो डोमेन में ये मसले थे। रेंज अगर आप देखो, टेंजेंट की रेंज हो गई, कॉट की रेंज हो गई, रियल नंबर है, कुछ भी आपको आंसर मिल सकता है टेंजेंट और कॉट में। जबकि सेक और कोसेक की अगर आप रेंज की बात करो तो सेक और कोसेक में या तो आपको 1 मिलेगा या 1 से ग्रेटर आपको आंसर मिलेंगे, या आपको माइनस में मिलेगा, -1 से कम कुछ मिलेगा। मतलब जो साइन और कॉस में आपने पढ़ा था ना उसको उल्टा कर दो, सेक और कोसेक के अंदर साइन और कॉस में 1 और -1 के दरमियान मिलता था, जबकि सेक और कोसेक में क्या होगा, 1 और -1 के दरमियान कुछ नहीं मिलेगा, या तो 1 से ग्रेटर मिलेगा या -1 से कम कोई आंसर आपको मिलेगा। 1 और -1 में मिल सकता है, लेकिन 1 और -1 के दरमियान आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा सेक और कोसेक के अंदर। तो ये ओवरऑल मैंने डोमेन रेंज एक जनरल रूल आपको बता दी कि आपको ये जहन में पता होने चाहिए। ग्राफ आप लोग देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड आपको इनका चार बातें पता होनी चाहिए कि इसका पीरियड क्या है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड अगर साइन और कॉस की हम बात करें, क्योंकि बाकी में नहीं होता। अगर आप बात करो इनका फेस शिफ्ट क्या है, मतलब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्या है, वर्टिकल शिफ्ट क्या है, ये चार बातें आपको पता होनी चाहिए। तो स्पेसिफिकली जो साइन कॉस है ना, इनको जनरल फॉर्म में आप इस तरह देखते हो,
कि y is equal to f of x is equal to a, और मैं बिल्कुल साइन की बात करता हूं, साइन कॉस दोनों कैसे लिख सकते हो, साइन ये होगा बी एक्स प्लस सी या माइनस सी, कुछ भी कर लो आप, मर्जी है आपकी, प्लस डी, इसको हम इस तरह समझ लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में आ रहा है ना, मतलब साइन और कॉस को आप जनरली इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब इसका मतलब क्या होता है इन सब चीजों का, ये जो ए है ये रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड को, मैं जरा थोड़ा सा बता दूंगा क्या होती है चीजें। ये जो बी है, बी कुछ नहीं है, सबसे पहली बात पीरियड का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है, एक खास वैल्यू के बाद रिपीट कर रहे होते हैं। तो अगर आप साइन कॉस और इनके रेसिप्रोकल जो है, इनका पीरियड 2 पाई होता है, 2 पाई मतलब अगर आप कोई ग्राफ ड्रॉ करो ना, तो एक्स एक्सिस पे 2 पाई मतलब ऑलमोस्ट 6.28 के बाद आप ऑब्जर्व करोगे ग्राफ आपको दोबारा रिपीट हो रहा है। आप जरा ग्राफिंग ऐप पे बनाओ और देखो, 6.28 यूनिट के बाद देखो कि दोबारा ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो मतलब 2 पाई के बाद एक ग्राफ रिपीट हो रहे होते हैं साइन और कॉस और इनके रेसिप्रोकल। जबकि टेंजेंट और कॉट में आप देखो तो ये पाई के बाद रिपीट हो रहे होते हैं, मतलब 3.14 के बाद आप देखोगे सेम ग्राफ दोबारा आ रहा है, ठीक है। तो बेसिक पीरियड तो आपको याद होना चाहिए। तो ये बी क्या है, यहां पे बी पीरियड निकालने में हेल्प करता है, लेकिन बी पीरियड नहीं है। आप क्या करो, फॉर एग्जाम्पल साइन है ना, तो साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो इसको आप डिवाइड कर दोगे बी से, और पीरियड हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई मैं मॉड लगा रहा हूं, क्या अगर कभी नेगेटिव आ जाए तो एहतियात कर लेना। इसी तरह यहां एम्पलीट्यूड पे भी हम मॉड लगा दो कि नेगेटिव अगर हो तो बचत हो जाए। तो ये जो 2π/b होगा ना, इसको आप कहोगे पीरियड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ये जो सी लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, वही बात जो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताई हुई है कि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ग्राफ हॉरिजॉन्टली कितना मूव कर रहा है, और डी जो है इसको आप कहते हो वर्टिकल शिफ्ट। अब अगर डी पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, डी नेगेटिव है आपका ग्राफ नीचे आ रहा है। इसी तरह अगर सी पॉजिटिव है, नहीं सी, हाँ सही है, सी अगर पॉजिटिव है इसका मतलब आप, मैंने बताया था ना, अगर आप इनपुट में कुछ पॉजिटिव ऐड करो तो लेफ्ट की तरफ ग्राफ जाता है, तो अगर सी पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट की तरफ ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर सी नेगेटिव होगा तो राइट की तरफ आपका ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो रहा होगा। तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं ताकि आप लोगों की बातें क्लियर हो जाए। एक ग्राफ बनाते हैं, मैं बेसिक साइन की बात करता हूं और फिर बातें डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइन फंक्शन बनाओ, तो बेसिक साइन फंक्शन तो यह होता है, ये इस टाइप क्या, एक इधर पीरियड बना दिया मैंने पूरा, इधर बना दिया, ये सेम लेवल पे होते हैं, ये सेम लेवल पे होते हैं, 19-20 का थोड़ा फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को, तो इस तरह कर लेते हैं और इसको थोड़ा और नीचे ले आते हैं। तो ये होती है -1 और ये होता है 1। ये जो साइन का ग्राफ है ये 1 और -1 के दरमियान ही रहता है, ना ये 1 से ऊपर जाता है ना -1 से रिपीट होता रहता है, 1 और -1 के दरमियान ही होता है। ये आपके पास ग्राफ है अभी साइन एक्स का। बिलफर्स मैं एक काम करता हूं, मैं अब बनाता हूं y=2sin x। क्या किया मैंने, जस्ट साइन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अब होगा ये कि अब इसका एम्पलीट्यूड 2 हो गया। एम्पलीट्यूड का मतलब कि पहले ओरिजिन से अगर आप बात करूं ना, तो इसकी हाइट क्या थी, 1 थी, जब आपने इस फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, अब ओरिजिन से लेके इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी। तो कंसिडर कर लो 2 अगर यहां पे है तो अब आपका ग्राफ इस टाइप का बनेगा, और नीचे भी ये हो जाएगा कि आप ये -2 है, तो ये ग्राफ आपका थोड़ा नीचे आ जाएगा, इस तरह बनेगा। तो एम्पलीट्यूड से क्या होता है, सिंपल समझ लो, मैंने बताया था ना कि वर्टिकल स्ट्रेच मिल जाता है ग्राफ को, तो ये वर्टिकल स्ट्रेच हो जाएगा आपका ग्राफ, सेम नेगेटिव पे वही चीज हो जाएगी। तो ये होता है जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये एम्पलीट्यूड मैंने समझा दिया। अब दूसरी वेरिएशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सिचुएशन कर लो, अभी आपने क्या किया, जब भी आप x को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ पे फर्क ही पड़ता है, उसका पीरियड चेंज हो जाता है। क्या पीरियड निकालने का तरीका क्या है, जो भी चीज x, जैसे यहां पे ये मैंने ब्रैकेट लगाई हुई है खुद ध्यान बताने के लिए आप लोगों को, ये ब्रैकेट का अभी फिलहाल काम नहीं है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट में होगा। बी को मल्टीप्लाई करो एक्स से, मतलब बी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो पीरियड किस तरह निकालते हैं, अगर साइन है तो साइन का पीरियड 2π होता है, 2π/b। तो यहां पर आप पीरियड निकालो, पीरियड क्या होगा 2π/b, बी यहां पे क्या है जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है 2, इसका मतलब पीरियड क्या है पाई। तो अभी जो ये पूरा पीरियड था ना यहां से लेके यहां तक, ये पूरा 2π था, अब क्या हो जाएगा, अब आपका ग्राफ जो है ना वो सुकड़ जाएगा पूरा, ठीक है। ये समझ लो मैंने बताया था ना कि जब आप इनपुट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो हॉरिजॉन्टली कॉम्प्रेस हो जाता है ग्राफ आपका, तो वही चीज होगी। अब समझ लो आपने ग्राफ को यहां पर कंप्लीट करना है और लेके भी जाना है आप इसको ऊपर, क्योंकि एम्पलीट्यूड आपने 2 दिया हुआ है, तो अब ग्राफ कुछ अजीब लंबा सा हो जाएगा, दरमियान वाला पॉइंट कंसीडर कर लो यहां पे, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा, ऊपर जाएगा पीक पे
फिर नीचे आएगा, फिर नीचे वाली पीक होगी, फिर रिश्ता हो जाएगा। तो पीरियड क्या पाए, मतलब पाए यूनिट बाद दोबारा रिपीट करेगा ये, फिर वही ऊपर जाएगा, फिर करते करते यहां पे आएगा, मतलब अब रिपीटेशन पाए यूनिट के बाद इसके अंदर होगी। और एम्पलीट्यूड अभी भी इसका 2 है जो आपने 2 इनपुट किया होता। अब फिर मजीद चेंजिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप क्या करो, अब आप एक काम करो, आप 2x माइनस कंसिडर कर लेते हैं 4। अभी मैंने क्या किया, आप जस्ट क्या करो, ये जो इनपुट है ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मैं इस तरह लेता हूं, 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये होगा अगर आप इस फंक्शन को 2 कॉमन लेने के बाद कन्वर्ट कर लेना, भी ये क्या होगा कि जो बाहर लिखा हुआ है ये तो पीरियड निकालने में आपकी हेल्प करेगा, वही 2 जो यहां पे लिखा होता है पीरियड निकालने में आपकी हेल्प होगी। असल में इस फॉर्म में लिखने का फायदा ये कि आप आसानी से हॉरिजॉन्टल शिफ्ट निकाल सकते हो यहां पे, मतलब 2 कॉमन लेने के बाद जब आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो ना, तो ये जो पूरी चीज लिखी हुई है ये क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता है, फेज शिफ्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो कितना शिफ्ट हो रहा है, 2 यूनिट शिफ्ट हो रहा है, और इसके साथ नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आप जब नेगेटिव आते हैं तो ग्राफ को राइट पे लेके जाते हो, इसका मतलब जो यहां पे जो ग्राफ बन रहा था ना उसको 2 यूनिट आप राइट पे ले जाओ, ये बताना चाह रहे हैं आपको। तो वर्टिकल शिफ्ट हॉरिजॉन्टल शिफ्ट निकालने का सिंपल तरीका ये है कि जो भी एक्स के साथ चीज लिखी हुई है उसको कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद आप यहां पे देखो कि यार इधर फेज शिफ्ट के साथ क्या आ रहा है, जो फेज शिफ्ट के साथ आ रहा होगा वो आप नोट कर लोगे। तो बस आप क्या करो, हॉरिजॉन्टली उसको शिफ्ट कर दो 2 यूनिट, मतलब राइट की तरफ शिफ्ट कर दो ग्राफ को। तो ग्राफ पहले ऐसे बन रहा था ना, ये ऑलमोस्ट पाई बाय 2 था, पाई बाय 2 क्या मतलब ये जो पॉइंट था कंसीडर कर लो ये 3.14 था, पाई था ना पूरा, तो 2 के यहां पे होगा। तो होगा ये कि आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, मतलब 2 यूनिट आगे हो गया, पहले यहां से स्टार्ट हो रहा था ना, कंसीडर कर लो 2 है तो अब यहां से ग्राफ आपका स्टार्ट होगा। तो सेम वही एक एम्पलीट्यूड बनेगा, करते 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 यहां पे आएगा, कंसीडर कर लो ये पूरा, मतलब यहां से लेके यहां तक ये पूरा पाए है, तो अब इस तरह आपका ग्राफ हो गया, मतलब थोड़ा सा आगे चला गया, कितना यूनिट, 2 यूनिट आगे गया है, नेगेटिव था तो आपने उसको राइट पे ले गया। और बस आखिरी वेरिएशन है वो ये है कि फॉर एग्जांपल इसी ग्राफ के अंदर आप एक चेंजिंग करते हो और आप इसके अंदर कोई नंबर ऐड कर देते हो, फॉर एग्जांपल मैंने 2 ऐड किया, तो नंबर 2 ऐड किया वो वर्टिकली शिफ्ट हो जाएगा। तो सेम यही ग्राफ है, कंसिडर कर लो मैंने 2 ऐड किया है तो अब वो 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा, स्केलिंग वैसे अजीब सी हुई है लेकिन समझ लो ये 2 था, तो यही ग्राफ अब यहां से स्टार्ट होगा, अब ये पूरा ऊपर जाएगा, बल्कि मैं इसको यहां पे बेहतर बना देता हूं ताकि बात समझ आ जाए। कंसीडर कर लो अगर ये 2 है ना, और इक्वल बात करते हैं, चलो हम इसको 2 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, तो अभी तक एक सेकंड इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि बाकी चीजें तो मैंने आपको समझा दी है ना, तो अभी तक जो हुआ वह बता देता हूं कि कंसिडर कर लो ये 2 है, ये 2 है। तो इस वाले फंक्शन को जब हमने ड्रॉ किया था तो हुआ ये था कि आपका ग्राफ ये 2 है, ये 2 है, इस तरह बन रहा था, और हम एक 2 के अंदर पाई को ऐड करते हैं, कंसीडर कर लो ये पॉइंट जो है ये 2 प्लस, नहीं थोड़ा आगे कर लेते हैं, 2 प्लस पाई है, क्योंकि मैं एक पीरियड पूरा बनाना चाह रहा हूं इसका, तो ग्राफ अभी इस टाइप का बन रहा था, कंसीडर कर लो, ठीक है, ये वही ग्राफ है लेकिन उसको मैंने थोड़ा स्केलिंग करके ना थोड़ा छोटा किया हुआ है, एक्स एक्सिस अब वाई एक्सिस 2 पे है ना, यहां पे थोड़ा छोटा हुआ है, हुआ वह वही है। अगर आप देखो पीरियड इसका पूरा पाए है जो हमने निकाला था, पीरियड इसका पाए है, क्योंकि देखो इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में पाए का फर्क है जो मैंने स्केलिंग किया ना, तो पीरियड इसका पाए पाए के बाद रिपीट हो रहा है। दूसरी बात, इसका एम्पलीट्यूड 2 है जो शुरू में था, क्योंकि ऊपर भी 2 जा रहा है और नीचे भी 2 पे जा रहा होगा, एम्पलीट्यूड इसका 2 है। तीसरी बात, फेज शिफ्ट अगर आप देखो इसका 2 है, मतलब स्टार्ट इसको ओरिजिन से होना चाहिए था लेकिन 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब फेज शिफ्ट इसका 2 है, राइट पे आप लेके गए हो। तो 3 चीजें वही हैं जो पहले आपने देखी थी। अब इजाफा क्या हुआ कि आपने वर्टिकल शिफ्ट दे दिया 2, अब जो पहले अगर आप देखो ना इस पूरे ग्राफ का मिड पॉइंट, मतलब मिड से एक लाइन पास करी थी ये वाली, ठीक है, अब वही लाइन 2 से पास करेगी, कंसीडर कर लो इस तरह, जैसे पहले लाइन जो एक्स एक्सिस पे थी ना, अब वही लाइन 2 पे आ जाएगी वो, और सेम आप बिल्कुल इसके ऊपर ग्राफ बनाओगे सेम इसी तरीके से। अब ये क्या हो जाएगा, कंसीडर कर लो 4 है तो अब आपका ग्राफ इस तरह बनेगा, सेम वो नीचे आएगा, यहां पे आएगा और इस तरह आ जाएगा, सेम ये पॉइंट था। तो अब ऑब्जर्व करो हुआ क्या, बस आपका ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया, ये चीज 2 यूनिट थी ना, जब शिफ्ट करोगे अब ये चीज इस तरह आ गई है, ये चीज 2 यूनिट थी अब ये इस तरह आ गई है, ये सीन हो गया बिल्कुल। तो एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एम्पलीट्यूड तो 2 है, बस ये अब ग्राफ थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुआ है क्योंकि आपने वर्टिकल शिफ्ट दे दिया था, अगर नेगेटिव करते तो नीचे चला जाता है। तो कहने का मतलब ये बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, ग्राफ की शिफ्टिंग किस टाइप की होती है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक मैंने पूरा क्लियर कर दिया आप लोगों को, बाकी आप लोग मेरी वीडियो देखना, अगर डिटेल में डोमेन नेम जो ये सब चीजें पढ़नी है तो वहां पे भी क्लियर हुई है।
अच्छा उसके बाद बच्चों लॉ ऑफ साइंस थे, कोसाइन थे, इनको भी याद रख लेना। वहां पे हमने एक ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ साइन एंड कोसाइन। लॉ ऑफ टेंजेंट भी है लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन देख लेना उसको भी अगर चाहो तो। वरना साइन और कोसाइन लॉ आपको पता होना चाहिए। साइन लॉ क्या था, साइन अल्फा अपॉन ए इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी इक्वल टू साइन गैमा अपॉन सी। और अगर कोसाइन लॉ की बात करो, कोसाइन लॉ तीन थे कोसाइन लॉ। सबसे पहले क्या था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस अल्फा। फिर आप बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखो, फिर सी स्क्वायर के फॉर्म में लिखो, और इन्हीं तीन को आप एंगल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते थे, वो भी आपने देखा होगा। तो बाद इनको रिवाइज कर लेना, कभी ना कभी पूछे जा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। अच्छा इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट होता था, इतना काम नहीं है, मैं बस बता रहा हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये होता था कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी चीज को नीचे देख रहा हूं ना, तो कंसिडर कर लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये वाली लाइन और जो मैं किसी चीज को नीचे देख रहा हूं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन और जो मैं नीचे देख रहा हूं, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है इसको हम बोल देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये था, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी चीज को ऊपर देख रहा हूं, क्या वहीं से नीचे ले जाओ मुझे, यहीं से बात कर लेते हैं, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन था अगर आप नीचे देखो, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका हॉरिजॉन्टल है और आप किसी चीज को ऊपर देख रहे हो, तो इस हॉरिजॉन्टल और इस लाइन ऑफ साइट जो है इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है इसको आप कह देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब ऊपर देखा जाए तो बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के दरमियान जो एंगल बनता है। और अगर किसी चीज को नीचे देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको हम बोल देते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये चीजें दी जाती थी, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के जरिए से आप ट्राइंगल को सॉल्व करते थे। ट्राइंगल को सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके होते थे, आप लॉ ऑफ साइन लॉ ऑफ कोसाइन से आप ट्राइंगल के एंगल साइड ये निकाला करते थे। तो जरा जाके देख लेना अगर टाइम हो आप लोगों के पास। उसके बाद आखिरी टॉपिक है, और वो टॉपिक है जैसे ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक की पढ़ी है ना, इसी तरह मैं इसके साथ ही एड कर रहा हूं कि इनवर्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये दोनों टॉपिक आप एक साथ देख लेना, इनवर्स और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की बेशक आपको ग्राफ ना पता हो, ग्राफ याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपको डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट इनका आना चाहिए। सबसे पहली बात, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन नहीं होता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 1:1 नहीं है कि उनका इनवर्स फंक्शन आएगा। तो सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 1:1 बना देते डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके, जब 1:1 बन जाया करते था उसके बाद आप इनवर्स निकालते थे। तो अब ये पूरे प्रोसेस में जो आप काम पूरा करते थे, ये इसमें डोमेन रेंज इनवर्स की क्या बनती थी वो सब आपको पता होना चाहिए। वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, तो अगर आप जाके देखोगे तो आपको बातें समझ आ जाएंगी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस तरह बनाते थे और फिर इनके डोमेन रेंज क्या बनती थी। ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक फंक्शन है, ये है साइन फंक्शन, ठीक है, इसके इनवर्स को आप कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा इनवर्स। तो ये -1 पावर नहीं होती थी, आमतौर पर बच्चे इतनी बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो साइन इनवर्स एक्स को बराबर रखते हैं 1/sin x, ये दोनों अलग बातें हैं, ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ये जो -1 है पावर नहीं है, ये -1 इनवर्स को शो कर रहा है। साइन इनवर्स एक अलग किस्म का फंक्शन है और साइन एक अलग किस्म का फंक्शन है, आपस में ये इक्वल ये वाला ताल्लुक नहीं है। इसी तरह कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि जो कॉस इनवर्स है ना ये बराबर होता है 1/sec के, मतलब जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक में रिलेशन होता था ना रेसिप्रोकल का, वो इनवर्स में भी लगा रहे होते हैं, और टोटली गलत बात होती है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको बताना चाहिए कि उनको आपने डिफाइन इस तरह किया था, उधर आपने बोला था कि सेक रेसिप्रोकल है कॉस का, जबकि वो चीज आपने डिफाइन की थी, ये चीज आपने डिफाइन नहीं की। वो डिफाइन करने के बाद इनपे क्या असर पड़ा है, इनपे ये असर पड़ा है कि आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों अलग अलग बातें समझी जाएंगी। तो अब ये बेसिक बातें हैं, कंफ्यूज होगी कितने ऐसी चीजें जिसपे ये डिफाइन है डिफाइन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मैं 2 पुट करूं तो कॉस इनवर्स 2 एग्जिस्ट नहीं करता, कैलकुलेटर में देखना एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि सेक इनवर्स 2 जो है वो एग्जिस्ट करेगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं होती, तो ये कंफ्यूजन जो है थोड़ी छोड़ देना। तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, उसमें आप पुट क्या करते हो, आपका इनपुट होता है एंगल और जो आउटपुट होता है वो आपको वैल्यू मिलती है। जबकि अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करो तो वहां पे आप पुट करते हो एंगल और रिजल्ट में मिलती है, सॉरी वहां पे आप पुट करते हो वैल्यू और रिजल्ट में मिलता है एंगल। जैसे यहां पे मैं पुट करूंगा 30 डिग्री, मुझे आंसर मिलेगा 1/2। तो इनवर्स में मैं पुट करूंगा वैल्यू, मतलब 1/2 पुट करूंगा और इनवर्स मुझे आंसर में एंगल देगा। तो ये इनवर्स और नॉर्मल जो फंक्शन है उनमें ये फर्क है इनपुट आउटपुट का। तो ये आप लोगों को बेसिक बातें पता होनी चाहिए, आई गेस रिलेटेड। अच्छा आखिरी चीज थी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है आपने इसको सॉल्व करना है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जनरल सॉल्यूशन क्या होता था, अब सारी बातें जो है ये ऑलरेडी मैंने कवर की हुई है। अगर आप लोगों को टॉपिक ना मिले मेरे चैनल पे, वो ना मिल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक की प्लेलिस्ट है उसमें सारी बातें अपलोड है।
तो लाजमी जाके देख लेना इसको, सारी बातें वहां पे डिस्कस हैं। बेसिक बेसिक बातें जो थी जिनका समझना आप लोगों के थोड़ा जरूरी था, मैंने उनको थोड़ा टाइम दिया है। बाकी बातें जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूले हैं या बाकी थोड़ा आगे पीछे के सारे कॉन्सेप्ट हैं, उसको आप लोग थोड़ा खुद जाके देख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है लेकिन टाइम काफी लगेगा, उनको भी आप लोग जाके देख लेना। तो ये पूरी आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई है। अब कैलकुलस के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री इतनी आनी चाहिए, अगर आपको इतनी आती है तो कैलकुलस में आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई इश्यू नहीं होगा, आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्री कर लोगे। अब आखिरी टॉपिक रह गया जो बच्चों इंशाल्लाह कल के लेक्चर से स्टार्ट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर काफी टफ पोर्शन भी है, वो इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा कैलकुलस बकायदा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।